हमारे आज के मेहमान, वाह, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपना दिल बिछाऊं, अपनी पलकें बिछाऊं, अपना आप बिछा दूं। क्या आप, ये वो शख्स है, मैं ये कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री पे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत है। ये जहां खड़े हो जाते हैं, जहां बैठ जाते हैं, जहां मौजूद होते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। मैंने बजाते खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आई वहां तो ये शख्स खड़े ही रहे मेरे साथ। जब कोई खुशी आने वाली हुई, मैंने ये सोचा कि मैं इस शख्स को फोन करके बताऊं कि मेरी जिंदगी में ये होने वाला है, उससे पहले ही इस शख्स का मैसेज, मुबारकबाद, दुआएं और आगे बढ़ने का तरीका क्या मेरे फोन में मौजूद होता था। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि खैर खां का मतलब क्या होता है, तो मैं इस शख्स का नाम लूंगा। अ वंडरफुल होस्ट, अ वंडरफुल एक्टर, उस सबसे बढ़ के अ वंडरफुल ह्यूमन, नूरुल हसन साहब, प्लीज आइए। हम तो मजबूरे रखा है, मगर जाने जहां अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है। तेरी महफिल को खुदा रखे अब तक कायम, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान, मुझे लगता है कि यहाँ जो आना खास तौर पे हमारे शो में, ये मेरा एक और ख्वाब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा किया। मैं जानता हूँ। और आप भाइयों की खुशी में जब शामिल होते हैं और वो भाई जिनमें आपको अपना अक्स नजर आने लगे, तो अंदर एक कमी नहीं सी खुशी होती। इमरान साहब जी, जनाब एक थोड़े अरसे की गल है कि मैं भाई नू बिल्कुल यंग ब्लड एंड सोहना जवान वेख्या पूरे वाला ना। ये मैं लगता तुम शर्त ला के किसी कह लै फिर तेन तीन महीने में बुढ़ा हो गया बखाना। भाजी जो देखे वो फकत कोई मेरे ख्याल 25 साल की गल है। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਸਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਰਿਪੀਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। नूर भाई, जनाब सच्चे आदमी आप। मैंने आपको जिंदगी में हर इंसान के साथ सच बोलते हुए, सच कहते हुए, और ये भी देखा है कि आप प्रेफर करते हैं कि लोग आपसे भी सच ही बोले। अपनी जिंदगी का, अपनी जाती जिंदगी का, नूरुल हसन साहब का कोई ऐसा सच है जिससे नजर चुराते हैं? नहीं नहीं, यकीनन ऐसे सच होंगे जो मुझे लगेगा कि वो मेरे और अल्लाह के दरमियान ही हैं। और इमरान, ये बात तुम बड़ी अच्छी तरह जानते हो, और ये मैंने एक बुजुर्ग से सुनी थी, डॉक्टर हुसैन मुबशर हमारे कहते थे माड़े दे नाल खलोना चाहिए, माड़े दे नाल रब भी होंदा। तो कभी गौर करो तो जो वालदा है ना, माँ, वो अपने सबसे माड़े बेटे के साथ खड़ी होती है। हाय हाय हाय, क्या अल्लाह भी ऐसे ही होता है। तो वो आपको बाज़ वक़्त जो आपकी कम माइगी होती है और आपकी कम इल्मी और कम अमली जो होती है, वो अल्लाह उस पर भी वो कहता है यार देखो रहते बेचारे। बच्चा जिन्ना ज्यादा डिफाल्टर हो मां का प्यार उन्ना ही ज्यादा वो नाल होंदा। ओ जान, मां जी तुहाडा बड़ा प्यार करदे ने, सानू पता है। मां जी तुहाडा बहुत प्यार करदे ने यार, तुसी फेवरेट हो, मैं जानना। वाकई बहुत करदे सन सच्ची। और जे बच्चा मां को अद्धा घंटा फैडी खान तो बाद दस हुंदा सी, दसवें बस्ता किथे कुकड़ी वाले खोडे च पिया। सरदार साहब नु अम्मा जी 1.5 घंटा कुट कुट के चले गए हसी जान। मैं क्या क्यों हस रहे हो, तुहाडी अम्मी तुहानू मारन डई? कहिंदे जिहड़ी मारन डई सी मेरी अम्मी नहीं सी। तुहानू पता इहनू की कहिंदे ने? की कहिंदे? शॉर्ट कुट। जितने आप सेंसिटिव हैं, जितने हसास दिल हैं, जितने नर्म दिल हैं, जितना नर्म गोशा रखते हैं रब की खलकत के लिए,
घर वालों ने कभी अगर आपको गोश्त लेने भेजा हो तो कसाई को ये तो नहीं कहते ना यार छुरी ना मारी मार जाएगी थोड़ी अच्छी गल की थी मैं गोश्त लेने नहीं गया कभी मेरा नहीं डिपार्टमेंट लेकिन इससे मुझे वो तेरे सच से भी याद आया चलो वो भी कर लेते हैं बात वो हुआ ये कि एक बार अम्मी ने को पैसे दिए बल्कि शायद एक दफ़ा से मेरे ख्याल काफ़ी दफ़ा ज़्यादा तो हम वो पैसे लेके मैं गया और मेन मार्केट समनाबाद तक तो वहाँ वीडियो गेम की दुकान थी वहाँ टार्जन की एक गेम आई हुई थी हाँ वो जहाँ तक पोजीशन हो ना कॉइन आपने डाला खेल रहे हैं आप भाई सारे ही खर्चे देते पैसे अच्छा तो वो वहाँ पोजीशन ही नहीं क्रॉस हो रही तुम पैसे भी नहीं जिन नहीं मार रहे हो गया कि वो डिग गए ने झूठ वूठ लेकिन मुझे एक चीज आज बहुत अच्छी तरह याद आ रही है और अल्लाह बख्शे अम्मी ये कहती थी कि बेटा माँ जो है ना वो सात पर्दों में भी देख लेती है कितने बड़े लोग हैं कि उनको पता है कि गलती की है लेकिन वो ओ जाने कर देते हैं कि ओ जाने ठीक है चलो यार और यही अल्लाह भी करता है आपके साथ मुझे इसलिए काफी लोग जब ये कहते हैं कि आप माफी एक ऐसी चीज है कि इसको मांगने में भी देर नहीं करनी चाहिए और देने और देने में अरे ऐसी शख्सियत तशरीफ ले आए ने क्या बात मैं गल सुना रहा उन्होंने मना किया था लेकिन मैं सुनावांगा डाकू आ गए एक बार इन्होंने घर अच्छा अद्धा घंटा बह के इन्होंने डाकू ने समझाया और डाकू इन्होंने मरीद हो गए ने हुण वह जंगल च इन्हों का उर्स भी कराते नजूमी हाथ विखाउन गए ने नजूमी ने हाथ फड़े ते ओहदा हाल दसता सारे किसी ने किसी ने कहा कि भाई वो अफगानिस्तान के जो वजीर रेलवे हैं उन्होंने कहा यार कमाल हो गई अफगानिस्तान में तो रेलवे नहीं है तो रेल के वजीर कहां से हो गए कह लेंगे पाकिस्तान में भी तो वजीर कानून होता है क्या बात अच्छा नूर भाई माशाल्लाह जिन्ने स्वीट आदमी ने क्या बात इन्हां दे जिन्ने दोस्त ने वो इन्हां दा दिल ही नहीं दुखा सकदे हुण पता यार इहदी बददुआ जिहड़ी ना ओह खाना खराब नहीं नहीं बददुआ तां देंदे ही नहीं ते दुआवां देण वाले ने इन्नियां नफीस गल्लां करदे ने इन्हों मुर्शिद इन्हों मरीद हो गए यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है नूरुल हसन साहब देखते रहिए मजाकरा